सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के 5वें अध्याय गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शेखर जोशी का परिचय। शेखर जोशी जन्म सन 1932 अल्मोड़ा, प्रमुख रचनाएं कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नुरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, सम्मान, पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानी ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियों विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुँचता है जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह है मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गल कर एक नया आकार ले रहा हो। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिसे वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस प्रोताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्र दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, अनुत्तरित यानी उसका कोई उत्तर नहीं आया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद यानी वो बिल्कुल घस चुका है, उसकी धार खत्म हो गई है।
धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले ही साल गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर ही लगा रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। धनराम और मोहन साथ पढ़ते थे बचपन में और मोहन काफ़ी समय के बाद अपने गांव लौटा था और धनराम से मिलने के लिए वह जाता है और वहां पर दोनों मित्र जो हैं बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ का इसका कान और लगवा इससे दस उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। क्यों? क्योंकि धनराम तो एक लुहार का बेटा था, नीची जाति का था। तो पुराने समय में बच्चों हमारे समाज में क्या था कि जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था, कि जिसकी जो जाति होती वह अपनी जाति के अनुसार ही कार्य करता था। लेकिन और यही बात क्या हुई, उन दोनों के दिमाग में भी बैठी हुई थी, धनराम के दिमाग में भी बैठी हुई थी, इसीलिए वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम, वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे के स्कूल का मुँह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया, धनवाद 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 कम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर मुझे तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे के लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकाली और उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया
और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था, जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी का किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोत्साही करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। मोहन, बालक मोहन, लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता। छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुरानों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के एक गांव में यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बंटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। और औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में वह गाँव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गाँव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा या असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घरवालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। तो बच्चों देखो, अब रमेश उसको ले आता है गाँव से शहर में, लेकिन उसको अपना क्या बना लेता है, एक नौकर बना कर रखता है ताकि उसे अपने घर के कामकाज में कोई परेशानी न हो। और इधर बेचारा मोहन जो
कि अपने पिता को ये बताकर उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था कि वो मेरे लिए क्या सपना देख रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। आठवीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वैसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे डेढ़ दो वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि बेचारे अपने बेटे के बड़ा अफसर बनने की सोच रहे थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था और घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरेट में नियुक्ति हो गई है, शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेंत पहनाकर मोहन के लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपीतुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी के स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जाति के आधार पर कभी भी किसी भी काम का निर्धारण नहीं होता है। यदि व्यक्ति अपने काम में कुशल होता है तो चाहे वह कोई भी क्यों न हो, उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। धन्यवाद।